कर्मा के रिमेक में बड़े बड़े स्टार्स को क्यों साइन किया जा रहा है? क्या कर्मा 500 करोड़ की फिल्म होगी? इस फिल्म को करने के लिए माधुरी दीक्षित क्यों एक्साइटेड हैं? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। आजादी की 39वीं सालगिरह से ठीक एक हफ्ते पहले यानी 8 अगस्त 1986 को एक फिल्म रिलीज हुई थी। दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, श्रीदेवी, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर और पूनम ढिल्लो जैसे कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे थे। इस भयानक कास्ट के साथ जो फिल्म बनकर तैयार हुई उसे कर्मा बुलाया गया। सुभाष घई की कर्मा ये एक पूर्व पुलिस अधिकारी और एक आतंकवादी के बीच की जाति लड़ाई की कहानी थी जिसमें 3 लड़के भी शामिल थे। मेरी जंग, विधाता और हीरो जैसी फिल्में बनाकर सुभाष घई अपने करियर के पीक पर थे। माधुरी दीक्षित को लॉन्च करने का सपना लिए वो पहली बार श्रीदेवी के साथ काम कर रहे थे। कर्मा अपने दौर की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। जब ये रिलीज हुई तो देखने वालों का तांता लग गया, जबरदस्त हिट रही। रिलीज के 32 साल पूरे कर रही इस फिल्म को बनने के दौरान कई ऐसी मजेदार और इमोशनल घटनाएं हुई थी जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लें। सारे तो नहीं पर उनमें से कुछ हिस्से हम आपको जरूर बताएंगे। सुभाष घई फिल्म कर्मा की शूटिंग के दौरान नई नई माधुरी दीक्षित से मिले। माधुरी तब सिर्फ एक फिल्म पुरानी थी और दूसरी फिल्म आवारा बाप की शूटिंग पास के ही स्टूडियो में कर रही थी। घई उन्हें बड़े लेवल पर लॉन्च करना चाहते थे। उन्होंने माधुरी से कर्मा के लिए डांस नंबर शूट करवाया, लेकिन जैसे जैसे वो फिल्म आगे बढ़ने लगी तो घई को महसूस हुआ कि ये आइटम सॉन्ग इस फिल्म में कहीं भी फिट नहीं बैठ पाएगा। फिल्म के फाइनल कट से माधुरी का वो गाना काट दिया गया, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए घई ने माधुरी को अपनी आने वाली फिल्म से लॉन्च करने का वादा किया था। लेकिन जब तक सुभाष घई फिल्म राम लखन 1989 से अपना वादा पूरा करते, माधुरी दीक्षित फिल्म तेजाब से स्टार बन चुकी थी और ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कास्टिंग पूरी हो चुकी थी, सभी कलाकार चुन लिए गए थे। विलेन के किरदार के लिए अमरीश पुरी को कंसीडर किया जा रहा था क्योंकि इस तरह के रोल्स में उन्हें महारत हासिल थी, लेकिन घई अमरीश पुरी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अमरीश पुरी पर्दे पर बहुत मार खा चुके हैं, ऐसे में दर्शक उन्हें फिर से वैसे ही किरदार में देखना पसंद नहीं करेंगे। इसी सोच विचार में डूबे वो मुंबई के एक पार्टी से निकल रहे थे। उन्होंने दूसरे वाले गेट से अनुपम खेर को निकलते देखा। उन्होंने खेर को तुरंत अपने पास बुलाया और अगले दिन अपने ऑफिस आने के लिए कहा। अगली सुबह अनुपम खेर तय समय से जगह पर पहुंच गए। उन्हें देखते ही सुभाष घई ने कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म में मेन विलेन का रोल कर रहे हो। अनुपम खेर ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा रोल नहीं किया है, इसीलिए वो श्योर नहीं है। इसके जवाब में घई ने कहा कि मेरा विलेन वैसे ही चलेगा जैसे तुम चलते हो। अनुपम की चाल पर मुग्ध होकर घई ने उन्हें डॉक्टर डेंग का रोल दिया था। अनुपम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने रात भर राहुल रवेल की बेताब अंजाम अर्जुन पंडित की शूटिंग की थी। सुबह 5 बजे वहां का काम निपटाकर वो कर्मा के पहले दिन की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंच गए। उस दिन अनुपम का एक सीन दिलीप कुमार के साथ होने वाला था, लेकिन जब अनुपम ने वो सीन पढ़ा तो उनका सारा भूत उतर गया। उस सीन में दिलीप कुमार को उनसे 100 फीट दूर खड़े होकर उनके डायलॉग पर सिर्फ रिएक्शन देना था। हालांकि इन दोनों के बीच फिल्माए गए थप्पड़ वाले सीन को लेकर खैर की एक्टिंग के लिए आज भी याद किया जाता है। फिल्म में काम कर रहे अधिकतर कलाकार दिलीप कुमार के दीवाने थे, साथ ही इज्जत भी बहुत करते थे। दिलीप कुमार के साथ काम करना कोई छोटी बात तो थी नहीं। जैकी श्रॉफ को इन चीजों के चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही थी। दिलीप कुमार के साथ हर सीन में वो नर्वस होने के चलते कुछ न कुछ गड़बड़ कर बैठते, कभी डायलॉग भूल जाते तो कभी उल्टा पुल्टा कुछ बोल देते। एक सीन को कई बार करने के बाद दिलीप कुमार परेशान हो गए। उन्होंने घई को अपने पास बुलाया और कहा कि जैकी श्रॉफ को सेट पर अच्छे से तैयार करके आने के लिए कह दें, लेकिन तुरंत उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद जैकी श्रॉफ खुद ही नॉर्मल हो गए। जो जैकी श्रॉफ के साथ हो रहा था ठीक उसका उल्टा नसरुद्दीन शाह के साथ हुआ। फिल्म के नरेशन में घई ने उन्हें बताया था कि उनका दिलीप साहब के साथ एक कंफ्रंटेशन सीन होगा। फिल्म शुरू होने से पहले ही नसीर इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें दिलीप कुमार के सामने एक्टिंग करने को मिलेगा, लेकिन जब सीन शूट होने की बारी आई तो घई ने नसीर को अकेले कैमरे के सामने खड़ा कर दिया और दिलीप कुमार के नाम पर एक आदमी को खड़ा कर दिया। नसरुद्दीन शाह को इस आदमी को दिलीप कुमार मानकर डायलॉग बोलना था। इस सीन को भी दिलीप कुमार ने इसी तरह किया। सीन तो शूट हो गया, लेकिन नसीर इस बात से बहुत खफा थे। उन्हें लग रहा था कि सुभाष घई ने उनके साथ धोखा किया है। इस घटना के 19 साल बाद तक नसीर ने उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन साल 2005 में आई फिल्म इकबाल में नसीर ने बॉलिंग कोच का एक अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म को सुभाष घई ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म के लिए ऐसे म्यूजिक की तैयारी चल रही थी जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी
इसका म्यूजिक कर रही थी। लिरिक्स लिखने का जिम्मा आनंद बख्शी के कंधे पर था। 3 अगस्त 1984 को गई अपने घर पर बख्शी के साथ बैठे थे। बख्शी ने डायरेक्टर के निर्देशानुसार कुछ लाइनें लिखी भी थी, वही दिखाने वो गई के पास गए। ये लाइनें कुछ यूं थी, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ये लाइन सुनकर गई एकदम इमोशनल हो गए। उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और तारीख और अपना नाम लिखकर आनंद बख्शी को नजर कर दी। बख्शी सन्न बैठे ये सब देख रहे थे। उन्होंने नोट अपनी जेब में डाला और चले गए। इस घटना के 29 साल बाद आनंद बख्शी की डेथ के 11 साल बाद यानी 2013 में बख्शी के बेटे अपने पिता की चीजें देख रहे थे। इसी समय उनके हाथ पापा का वो वॉलेट लगा। इसके कोने में 100 का एक पुराना नोट छिपा हुआ था। निकाल कर देखा तो उस पर 3 अगस्त 1984 की तारीख और सुभाष घई का नाम लिखा हुआ था। आनंद ने वो 100 का नोट आजीवन संभाल कर रखा था। तो बात करते हैं अब इसके रिमेक की। कर्मा के रिमेक के लिए शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े स्टार्स को अप्रोच किया जा रहा है। और वहीं अमिताभ बच्चन की वाइफ का किरदार निभाने के लिए माधुरी दीक्षित को भी अप्रोच किया जा रहा है। और वहीं माधुरी दीक्षित ने भी अपनी ये इच्छा जताई है कि वो अमिताभ बच्चन की वाइफ का रोल करना चाहती है कर्मा 2 में। इस फिल्म के लिए सुभाष घई ने अपनी हामी भर दी है और वो इस फिल्म में आज के टाइम के हिसाब से कुछ छोटे मोटे बदलाव जरूर करेंगे और इसी पर वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 500 करोड़ के आसपास होगा और ये एक इंटरनेशनल स्तर पर बनाई जाने वाली फिल्म होगी बॉलीवुड की। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है जिसका बजट 300 से लेके 500 करोड़ के बीच होगा। यानी कि अगर इस फिल्म का बजट 500 करोड़ के आसपास होता है तो ये बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस फिल्म में किसको लिया जाना चाहिए, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, इन तीनों एक्टर्स में से किसको लिया जाना चाहिए या फिर इन तीनों को ही? आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज़।